बज रहा है गाइस 11:40 और मैं व्लॉग ऐसे कर रहा हूं गाइस क्या मैं सितपुर बोलते हैं सितपुर है गाइस ये कॉर्नर स्ट्रीट सितपुर है गाइस ये। ठीक है वेलकम बैक, स्वागत है आपका फिर से हम गाइस। वैसे बज रहा है सुबह के 10:30 गाइस और अच्छा व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो अभी प्लान ये है कि गाइस सबसे पहले नहा के आते हैं और आज शाम को एक वेडिंग में जाना है गाइस। हमारे ये नेबर्स है यहां पे तो इनकी वेडिंग है गाइस, तो इनमें वहाँ जाना है हम लोग को। मैं और पापा मम्मी देखते हैं कौन कौन जाएगा गाइस। तो वहाँ तो जाना है गाइस करीब 5:30-6 बजे के आसपास या उसके थोड़ा लेट जाएंगे। कब जाएंगे आपको सब पता चलेगा 9 बजे। तो सबसे पहले नहा के आता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो ये बज रहा है 1:15, तो मैं आके रेडी हो चुका हूँ गाइस। अभी प्लान ये है कि चलते हैं बाहर, करते हैं ब्रेकफास्ट, आज के डे को करते हैं कंटिन्यू और फिर गाइस अभी 1-1.5 घंटे बाद मेरे को जाना है गाइस मार्केट कुछ काम से। मैं और अमन मुर्तन जा रहे हैं गाइस। तो और गाइस बस में जाएंगे, जैसे आएंगे आपको सब जब निकलेंगे तभी आपको पूरा क्लियर बताएंगे। तो अभी पहले लंच करता हूँ और लंच के बाद मैं आपको मिलता हूँ। ऐसे बज रहा है शाम के 4:30 और आज है हमारे साथ गाइस अमन। तो मैंने आपको जैसे बताया था सुबह ब्लॉग स्टार्ट करते ही तभी बताया था, नाने की बात जब भी बताया था गाइस। अभी मैं और अमन जा रहे हैं गाइस बाहर, हम लोग दोनों जा रहे हैं बस में। क्या जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक्टिवा और बाइक की पार्किंग शायद ही मिलेगी हमें, तो वही कुछ काम से जा रहे हैं गाइस हम लोग। बस में जाएंगे, आपको पूरा दिखाएंगे कैसे जा रहे हैं हम लोग, बस में जा रहे हैं टैक्सी में जा रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट, ठंड तो नेक्स्ट लेवल है भाई। और तो वैसे मुझे शाम के 5:45 तो अपना जो काम है गाइस हो चुका है। ये रहा अमन गाइस और हम लोग अभी है कौन से रोड पे गए, सितपुर बोलते हैं इसको, सितपुर है गाइस ये कॉर्नर स्ट्रीट सितपुर है गाइस ये। तो अपना जो काम है ऑलमोस्ट डन है, अभी टाइम हो रहा है गाइस देखिए 5:45 हो रहे हैं गाइस। और अभी हम लोग को पापा और मम्मी गए, हम लोग तीनों दिन जाएंगे वेडिंग में गाइस। हाँ वही बोल रहा था 5:45 बज रहे हैं करीब, अभी घर जाते रेडी होकर मेरे को निकलना है गाइस एक वेडिंग के लिए। मैं मम्मी और पापा में तीनों जा रहे हैं, तो चलते अभी फटाफट घर। क्या बस में जाना पड़ेगा, टैक्सी बस या टैक्सी किसी में, मैं अपनी कार या बाइक को लेके आया नहीं इस एरिया में, किस कहाँ ही पार्क करूँ मैं आप बोलिए, पार्किंग तो मिलना नामुमकिन है इस एरिया में। तो वही अभी चलते हैं फटाफट घर और आपको मिलते हैं घर पहुँच के। सो घर आते बिल्कुल ब्लॉग नहीं किया मैंने, घर आते फटाफट मैं रेडी हो गया गाइस और रेडी होके के सामने हो गए कुछ ऐसी है मेरी आज की ड्रेसिंग देख लीजिए। तो हाँ अभी प्लान ये है कि ये बज रहे हैं गाइस 7:15, तो मैं मम्मी और पापा में तुरंत जा रहे हैं गाइस। मैंने आपको बोला था वेडिंग है गाइस सॉल्ट लेक में, क्योंकि होटल करके नाम है स्टेडल या ऐसा है कुछ नाम है गाइस, प्रॉपर मेरे को नाम पता नहीं है, स्टेडल ऐसे कोई नाम है वहाँ पर वेडिंग है गाइस। तो मैं मम्मी और पापा हम लोग तीनों जा रहे हैं, तो चलते हैं गाइस फटाफट निकलते हैं। क्या आने में लेट हो गई, पापा भी ऑफिस से आए नहीं, मेरे को लगा निकलना पड़ेगा आते, लेकिन पापा भी ऑफिस से आए नहीं है। 7:15 हो रहा है, पापा ऑफिस से आएंगे रेडी होंगे और फिर निकलते हैं, और अभी जब निकलूंगा तब मैं आपको मिलता हूँ गाइस। तो ये बज रहा है शाम के 7:45 गाइस, निकलने में कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 7 बजे के आसपास निकलना था प्रॉपर, हम लोग 1 घंटा लेट है गाइस। तो बस पापा अभी ऑफिस से आए रेडी हो रहे हैं गाइस, और मेरे को बोला तू कार में जा फटाफट, कार देख ले क्या पंचर वंचर तो नहीं है वरना वापस झमेला ओवर में जाओ। तो कार तो गाइस ठीक है एकदम एक नंबर। तो वही मैंने बोला आप लोग यहीं आ जाओ पार्किंग से, यहीं से निकल जाएंगे। क्या वैसे बहुत लेट हो चुका है, कितने बज रहे गाइस 7:55 देखिए 8 बजने वाले। तो वही चलते हैं फटाफट, हम लोग 3 जन जा रहे हैं और आपको मिलता है अभी सीधा वहाँ पहुँच के। A few moments later. So guys, ये बज रहा है रात के 11:30 टाइम देखे गए, तो आज चुका हो गए मैं घर। वहाँ पर इतना कुछ बोलते शूट ही नहीं किया, इतना मेन लेट निकले हम लोग, फिर वहाँ पहुँचे फिर इतने गाना है वहाँ बज रहा था गैस। तो कॉपीराइट के चक्कर में मैंने कुछ बोल देना कुछ शूट नहीं किया, अभी मतलब बोला नहीं मैंने अपने सिनेमैटिक्स में सब देखा, होप यू आप लोग को मजा आ रहा है। तो इतना थक गया गया 11:30 और मैं तो मतलब मेरी बाहर जाने की रूटीन चालू हो गई 5:30 एक सेकेंड बोलते हैं डोर्स। हाँ वही गाइस मैं तो निकला था करीब
4:30 बजे, तो 4:30, अभी 11:30, अभी घर पे आके आराम से बैठूंगा। क्या बाहर से आया कंट, फिर रेडी हुआ, बैठा ही नहीं, फिर मतलब इतनी हालत खराब हुई आज तो, और मज़ा भी आया गया शादी में जाके। तो अभी चलते हैं घर, थोड़ा चेंज होना होगा तो फिर आपको मिलता है। A few moments later. So guys, अभी बज रहा है रात के, कितने बज रहे एग्जैक्ट टाइम देख लो गाइस, बज रहा है गाइस 11:40, और मैं ब्लॉग ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि गाइस क्या, मैं एवरी सैटरडे मतलब ऑल्टरनेटिव सैटरडे, मतलब हर 15 दिन में मैं अपने हेयर में ऑयल लगाता हूँ रात को, वो भी हर सैटरडे को। ऐसे कोई नहीं है कि कोई भी दिन में लगा ले, सैटरडे को क्या है, फिर संडे को अपन आराम से उठते, कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं होती है। तो मैं ऑयल लगा नहीं जा रहा था गाइस, और लगा भी लिया हाथ में, देखिए आपको थोड़ा शाइन दिख रहा होगा दोनों हाथ में भी, इसलिए फ़ोन सामने रख के ऐसे करके फ़ोन रखा है तो फिर अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो बस अभी टाइम है गाइस ब्लॉग को एंड करना, ब्लॉग को एंड करते वरना क्या तेल लगा के मैं ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, फिर तेल लगाने के बाद कुछ अलग ही दिखता है गाइस। सच्ची में तेल लगा के मैं रेगुलर तेल लगाता भी नहीं हूँ गाइस, एकदम बोलता नहीं, बहुत रेयर तेल लगाता हूँ, और किसी ने मेरे को तेल में देखा भी नहीं है गाइस, किसी ने देखा है। तो बस ये सब आज का ब्लॉग आपने देखा, आज के ब्लॉग में कहीं ज़्यादा कहीं नहीं गया, सुबह घर पे, शाम को बाहर सामान लेने, और शाम को शादी में। तो ऐसे कुछ आज का ब्लॉग शॉर्ट एंड स्वीट, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।